हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च तो आज है डे फोर्टी वन डेली फार्मा एमसीक्यू सी सीरीज़ का एंड आज संडे है एंड इस वीक हमने टोटल फिफ्टी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उन फिफ्टी एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम रिवाइज़ करेंगे ये एक फ़ास्ट रिविज़न होगी एंड अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को एकदम इनकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप लास्ट uh, वीडियोस इस चैनल पे देख सकते हैं उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो फर्स्ट क्वेश्चन है सोकोड्राइन अलोएज आर कल्टिवेटेड फ्रॉम स्पीसीज तो सोकोट्राइन अलोएज किस स्पीसी से कल्टिवेट किए जाते हैं तो ये अलोए पेराई स्पीसी से कल्टिवेट किए जाते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ डिजिटलिस तो डिजिटलिस्ट लीव्स का कलर कैसा होता है तो डिजिटल स्लीव का कलर होता है डार्क ग्रेइश ग्रीन ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज एसिडिक पीएच पे अमाइनो एसिड कैटाइनिक फॉर्म में होता है तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है एंड बेसिक पी पे ये अनाइनिक फॉर्म में होता है अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल या फिर फिजियोलॉजिकल पी pH पे जूटर आइनिक फॉर्म में होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज़ ऑफ बाई कार्बोनेट रीअब्जॉर्ब इन प्रोक्मल री प्रोक्मल टिब्यूल ट्रिब्यूल तो प्रोक्मल कॉन्वेटेड टिब्यूल में अराउंड एटी फाइव टू नाइनटी परसेंट बाई कार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डैश इज कम्पेयर तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में ओपेलेस कंपेयर की जाती है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पेनॉइड हैज़ फॉलोइंग रिंग सिस्टम तो टर्पेनोइड में किस टाइप का रिंग सिस्टम होता है तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हमने देखा था इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें दो रिंग्स होती हैं एक ये आउटरमोस्ट सिक्स मेंबर रिंग है एंड दूसरी ये वाली फाइव मेंबर रिंग है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ टाइरोसिन इन बॉडी इज तो बॉडी में टायरोसिन का क्या रोल होता है तो टायरोसिन एक नॉन अमाइनो एसिड है जो कि फिनाइल से बनता है, होता है, सिंथेसाइज़ होता एंड ये नर्व किस को ट्रांसमिट करता है बॉडी में तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटिंग एडेमा इज करेक्टिक फीचर ऑफ तो पिटिंग एडेमा किसका करेक्टिस्टिक फीचर है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में पिटिंग एडेमा कंडीशन जो है वो देखी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ तो अगार एक है एंड बेसिकली ये एक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेचुरेटेड फैटी एसिड अरेक्डिक एसिड कंटेन डैश कार्बन एटम तो अरेक्डिक एसिड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं तो इसमें टोटल ट्वेंटी कार्बन एटम्स होते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स तो इनमें से सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए कौन सी इक्विपमेंट यूज नहीं होती है तो पेडल मिक्सर जो कि लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है तो ये सॉलिड्स में यूज नहीं होता है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा फिल्टर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट तो मेटा फिल्टर में इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं होती है तो मेटा फिल्टर जो है वो लार्ज सरफेस एरिया फिल्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड नहीं करता है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है बाकी ये सारी इसकी एडवांटेजेस होती हैं कि ये केक इजीली रिमूव किया जा सकता है करोसिव लिक्विड्स को फिल्टर किया जा सकता है इसकी स्ट्रेंथ कंसिडरेबल है एंड ये हाई प्रेशर के साथ वेस्टेंड करता है तो ये सारी ही मेटा फिल्टर की एडवांटेजेस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विद शुगर और हनी इज डैश आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म तो अबलेहा एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसमें ड्रग्स के थिक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें कि ड्रग को शुगर या फिर हनी के साथ बॉयल किया जाता है एंड अब लेहा एक सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्लिटी टेस्टिंग ऑफ सर्जिकल सीचर मटेरियल रिक्वायर्स इनकुवेशन फॉर तो सर्जिकल सीचर मटेरियल्स के लिए जो स्टर्लिटी टेस्टिंग की जाती है उसमें इनकुबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है तो उसमें फोर्टीन डेज इनकुबेशन पीरियड होता है सर्जिकल सीचर मटीरियल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उंडइंटिंगचर फार्मूला डज नॉट कंटेन फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट तो जो हमारा कंपाउंड वेनजॉइंटिंग फॉर्मूला है उसमें इनमें से कौन सा इनग्रीडियंट नहीं होता है तो उसमें ग्लिसरीन नहीं होता है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम मेटावाइसल्फाइड तो सोडियम मेटावाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है एन ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्चिंग में भी कॉज बाई एंटासिड प्रपेशन कंटेनिंग तो अगर एंटासिड प्रपेशन में सोडियम बाई कार्बोनेट प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमें बेल्चिंग कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज एज एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको टार्टर एज एन एमेटिक यूज किया जाता है एंड इसका स्वीट टेस्ट होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन इज यूज इलेक्ट्रो फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट रेप्लीशर एंड तो सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन यूज किया जाता है एज अ फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट रेप्लीशर एंड ऑल्सो ये एज एन सिस्टमिक अल्कलाइजर की तरह भी यूज किया जाता है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड इज द तो रेड रेड की फुल फॉर्म होती है रेडिएशन ऑब्जॉर्ब डोज तो ये यूनिट होती है ऑब्जॉर्ब डोज की तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिसिनल एजेंट विच प्रमोट सिक्रीशन ऑफ वाइल तो ऐसे एजेंट जो कि वाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं वो होते हैं चोला गोगी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेकंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन कल्टीवेशन के दूसरे साल में जो प्लांट होता है उस पर सेसाइल टाइप के लीव्स होते हैं ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है एंड अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर आएगा तो उसमें रोजे टाइप के लीव्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकल नोन एज तो सिल्क फाइबर में कौन सा केमिकल कंस्टेंट होता है तो इसमें फाइब्रोइन प्रेजेंट होता है एंड ये फाइब्रोइन हाइड्रोलाइज होने के बाद दो माइनर से ग्लाइसिन एंड एलेनिन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग है drug having short fracture is, तो कुर्ची ड्रग में शॉर्ट फ्रैक्चर होता है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिनोलिक एसिड इज ऑप्टेन फ्रॉम तो रेसिनोलिक एसिड कैस्टर या फिर कैस्टर ऑयल से ऑप्टेन किया जाता है एंड uh, रेसिनोलिक एसिड जो है वो कैस्टर ऑयल में बिस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ड्रग इज यूज एज सी एन एस टिमुलेंट कौन सा ड्रग एज अ सी एन एस टिमूलेंट की तरह यूज किया जाता है तो जो नक्स बोमिका है नक्स बोमिका यूज किया जाता है एज एन सी एन एस टिमुलेंट ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसोरीन इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑब्टेन फ्रॉम तो वैसोरीन ट्रगाकांथ का एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि वाटर जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है एंड ट्रगाकांथ में जो वाटर सॉल्युबल केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो होता है ट्रगाकैंथिन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचरा पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कंटेन, तो सिग्नेचरा पार्ट प्रेस्क्रिप्शन का उसमें डायरेक्शंस होती हैं पेशेंट्स के लिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शंस होती हैं फार्मासिस्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड, ड्राई गम मेथड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ड्राई केशिया यूज़ किया जाता है ये एक बहुत ही क्विक प्रोसेस है एंड इसमें सारा प्लेटस जो है वो ड्राई रहता है लेकिन जो प्राइमरी इमर्शन है वो बिस्कस एंड क्रीमी नहीं होती है बल्कि इसमें थिक वाइट क्रीम जो है वो फॉर्म होती है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद शुगर डज नॉट गिव पॉजिटिव बेनेटिक टेस्ट तो जो सुक्रोस है वो एक पॉजिटिव बेनेटिक टेस्ट नहीं देगा तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल मेटालाइन फॉर एक्टिविटी तो ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक uh, प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहता है तो उसमें से एक ग्लाइकोलाइसिस भी है तो उसमें ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट को एक्टिव होने के लिए एम जी टू पॉजिटिव रहता है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है को एनजाइम एफ ए डी इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ए डी होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड ये एक है एंड ये राइबो फ्लैविन का डेरिवेटिव है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ ओडाई इज एट द एग्जिट ऑफ तो स्प्रिं ऑफ ओडाई गोल ब्लैडर के एग्जिट पे प्रेजेंट रहता है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है एंड गोल ब्लैडर जो है वो वाइल का रिजर्वोयर होता है एंड उसी स्टोर्ड वाइल को रिलीज भी गोल बैडर करता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टिरोन इज सिक्रीटेड बाय तो टेस्टोस्टिरोन सिक्रेट किए जाते हैं लेडिक सेल्स से तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ विटामिन तो पेलेग्रा किस विटामिन की डेफिशियंसी से कॉज होता है तो ये नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है टामिन बी थ्री तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया तो इनमें से मलेरिया का क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं है तो चिल्ड एंड रिगर्स माइल्जिया एनोरेक्जिया ये तीनों ही मलेरिया के क्लिनिकल फीचरस हैं लेकिन कफ जो है वो इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्व मीन्स तो पोसिवम पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड सीवम मीन्स फूड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज आफ्टर मील नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट फॉर डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है तो इसमें चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं ये सही स्टेटमेंट है पार्टिकल्स फास्ट सेटल नहीं होते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ सेपरेट यूनिट एंड सेडिमेंट को रिडिसपर्स करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि केक फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जॉर्प्शन बेस तो ऑब्जॉर्प्शन बेस का एग्जाम्पल है बुल फैट ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इवेल्युएशन पैरामीटर टेस्ट फॉर द पेरेंट्रल तो पेरेंट्रल के लिए लीकर टेस्ट स्टर्लिटी टेस्ट एंड टेस्ट ये तीनों ही इवेल्युएशन पैरामीटर टेस्ट हैं, लेकिन टोनिसिटी टेस्ट जो है वो इवेल्यूशन पैरामीटर टेस्ट नहीं है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज एज अ डिओड्रेंट तो डिओड्रेंट की तरह यूज़ होता है हेग्जा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग डिलीवरी डीप इंटू स्किन बाई मीन्स ऑफ गेलवेनिक करंट इज कॉल्ड तो ये एक ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की मॉडिफिकेशन ही है जिसमें कि ड्रग को डीप स्किन में डिलीवर किया जाता है बाई यूजिंग गेलवेनिक करंट तो उसे कहा जाता है आई नोटो फॉरेसिस्ट ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पायराजोलोन डेरीवेटिव एनल जैसे पायराजोलोन डेरीवेटिव एनल जैसे फिनाइल बीटाजोन है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरप्रोमाजिन एग्जर्ट एंटीसाइकोटिक एक्शन बाय तो क्लोरप्रोमाजिन अपना एंटीसाइकोटिक एक्शन एक्सर्ट करता है बाय Blocking the post dopamine receptors, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है है, तो इनमें से कौन सा एम्फिटामाइन का एक्शन नहीं है तो एम्फिटामाइन एक सी एन स्टिमुलेटर है तो यह स्टेटमेंट सही है देन डिक्रीजिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी तो यह इंक्रीज करता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एंड इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है एंड एपेटाइट जो है वो रिड्यूस होती है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग गोअेड इन वाई तो जो एक सिंपथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है दैट इज गुअने अपना एक्शन शो करता है बाय इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस पोस्ट गेंगलियोनिक एडेनर्जिक न्यूरॉन पे तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कॉलिन तो इनमें से कौन सा एसिटाइल कॉलिन का एक मस्करेनिक एक्शन नहीं है तो एसिटाइल कॉलिन बेस्टोडाइलेशन करता है स्मूथ मसल की एक्टिविटी एंड टोन को इंक्रीज करता है एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाता है ना कि इनहिबिट करता है देन हर्ट रेट को डिक्रीज़ करता है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट रेट ऑफ वन सिक्सटी टू वन एटी रेफर्स टू तो हर्ट रेट वन सिक्सटी टू वन एटी को कहा जाता है एक्टोपिक एक्टिविटी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेसियोफोलविन तो ग्रेसियोफोलविन एक एंटी फंगल एजेंट है ये रिंग वॉम के अगेंस्ट यूज किया जाता है ये कैंडिडा के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाता है तो ये स्टेटमेंट सही है ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है ये भी स्टेटमेंट सही है ये लार्जली एक्सक्रीट होता है यूरिन में ये स्टेटमेंट गलत है ये एक्ट करता है एज अ प्यूरीन एनालॉग तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राइड इज तो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राइड दैट इज आइसोनियाज़िड जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलर एंड ये अपना इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो होता है कि ये इनहिबिट करता है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस को एंड डैमेज करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच